अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत को मार्च 2021 तक कोविड-19 का टीका हासिल हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने यह बात कही है। यह कंपनी देश में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। SII के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश जाधव ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि भारत को मार्च 2021 तक कोविड-19 की वैक्सीन मिल सकती है अगर रेगुलेटर्स जल्दी अप्रूवल दे, क्योंकि कई निर्माता इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन पर रिसर्च बेहद तेजी से चल रही है। देश में 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स का फेज 3 ट्रायल चल रहा है और 1 फेज 2 में है। और भी वैक्सीन कैंडिडेट्स पर भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम चल रहा है। डॉक्टर जाधव ने इंडियन वैक्सीन अवेबिलिटी ई समिट को संबोधित करते हुए कहा, हम हर साल वैक्सीन की 70 से 80 करोड़ डोज बना सकते हैं। हमारी करीब 55% आबादी 50 साल की कम उम्र की है, लेकिन उपलब्धता के आधार पर वैक्सीन पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलनी चाहिए, इसके बाद बाकी सबको। उन्होंने कहा कि हम दिसंबर 2020 तक 6 से 7 करोड़ डोज तैयार कर लेंगे, लेकिन लाइसेंसिंग का क्लियरेंस मिलने के बाद ही वो बाजार में आ पाएगी। उसके बाद हम सरकार की इजाजत से और डोज तैयार करेंगे। वैक्सीन ट्रायल में प्रगति के बीच सरकार ने स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी तैयारियां तेज कर दी है। वो सरकारी और निजी ठिकाने ढूंढे जा रहे हैं जहां वैक्सीन स्टोर की जा सके। कोल्ड स्टोरेज पर फोकस है, क्योंकि अधिकतर वैक्सीन को एक तय तापमान पर रखना और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर तापमान बदला तो वैक्सीन बेअसर हो जाती है। डॉक्टर वीके पॉल की अगुवाई में बना एक्सपर्ट ग्रुप इसकी पूरी कवायद पर नजर रखे हुए है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।